जो पिए सीमा होके बवाल। दिन रात पढ़ना है मचावो धमाल। काम पर ले थसरे टेंशन, अरे काम पर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हम एमसीक्यू के माध्यम से आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस सीजीपीएस से कवर करा रहे हैं, और कमर कसकर तैयार हो जाइए क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और अपनी तैयारी को थोड़ा सुदृढ़ करना है। ठीक, एमसीक्यू आप जानते क्यों करा रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिला के अपकमिंग एग्जाम में जो पूछने की संभावना, हम ऐसे क्वेश्चन समावेश करेंगे, प्लस आपको सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। तो चीज चालू करते हैं, और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम कहते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया तो अभी क्या करेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिला के आपको बोलता है। पहले समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये तो हम समझ चुके हैं कि ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज मतलब आप अगर किसी से मूलधन उधार देते हैं या उधार लेते हैं, उसके एवज में जो आप एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न कहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे एक निश्चित दर पर, उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। एक आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट जहां पर ब्याज आपका कांस्टेंट होता है, दूसरा आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जहां पर क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं बोला कि 1000 का ब्याज अगर मान लो मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, अगर एक साल का ब्याज 1000 में कितना दे रहा हूँ, 100 रुपये दे रहा हूँ, तो अगर पहले साल 100 हुआ तो दूसरे साल भी यहाँ पर क्या होगा 100, और तीसरे साल भी यहाँ पर क्या होगा 100, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट जहाँ पर ब्याज कांस्टेंट होता है यही। लेकिन हमारा सीआई में यहाँ पर क्या होगा, आपके पास 1000 का जो ब्याज है पहले महीने का, पहले बार का कितना हो जाएगा 100, अगली बार क्या होगा आप इसका जो ब्याज है आप उसका 100 रुपये देंगे और इस 100 का ब्याज भी आप कितना देंगे 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, तो अब आप ब्याज कितना देंगे 110 रुपये। ठीक, जब इसके बाद वाला कंडीशन होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा आपका ब्याज क्या होगा, अब इस पे ब्याज देंगे और इस पे ब्याज देंगे तो ब्याज वहाँ पर क्या हो जाएगा बढ़ते रहेगा आपका। ठीक है, तो ब्याज आपका यहाँ पर क्या होगा जो वृद्धि होते रहे, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। फॉर्मूला आपका इसमें एक ही लगना है, वो फॉर्मूला आपका लगता है ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 टू द पावर एन, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं एन मतलब यहाँ पर क्या हुआ समय की अवधि हुआ, समय यहाँ पर क्या देगा आपको वर्षों में आपको देगा, एन मतलब यहाँ पे टाइम जो आपको वर्षों में देगा। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे जब क्वार्टरली होगा हाफ ईयरली होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। अगर आपको सी आई निकालने बोला है तो एक तरीका यह है कि आपने ए निकाला और ए को आपने पी से माइनस कर दिया, ये आपका पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होगा आपका, अगर आपको सी आई निकालना होगा और आप चाहते हैं कि बिना ए निकाले आप क्या निकाले, बिना ए निकाले आप सी आई निकाले, इजी तो आपका यही पड़ेगा कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि डायरेक्टली सी आई निकालना है, तब इस सी आई का फॉर्मूला होगा पी ब्रैकेट में 1+R/100 टू द पावर एन माइनस 1, ये हमारे पास क्या होगा सी आई निकालने का तरीका होगा। आर हम जानते हैं ब्याज का दर होता है, एन मतलब यहाँ पर क्या होता है आपके पास समय होता है, ये बेसिक मेथड होगा। लेकिन हम जानते हैं ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस जो है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज मतलब प्रतिशत के अनुप्रयोग में आता है, तो हम क्या करेंगे इसको इजी तरीके से इस परसेंटेज के एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे ताकि आपको इजी तरीके से आपका बने। तो वीडियो पूरा लाइन ध्यान से देखना और क्वेश्चन एक्स्ट्रा और मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए उसको लेना। ठीक, आपको थोड़ा समय दिया जाएगा ताकि आप पहले सॉल्व कर लें फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपका ब्याज होता है ना ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ये हम समझते हैं। ठीक है, ब्याज के ऊपर यहाँ पर क्या लगता है, ब्याज आपके ऊपर लगता है आपका। ठीक, तो जैसे 10,000 रुपये आपको दिया हुआ है,
समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष और ब्याज का दर आपको दिया हुआ है 10%। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक तरीका यह है कि आपने ए निकाला, ए आपने क्या निकाला, 10,000 × 1 + 10/100 की घात यहाँ पर क्या हुआ, 2 हुआ, ये कटा, 1,000 × 10,000 × कितना हो जाएगा, 1 + 1/10, 11/10 का वर्ग, तो 121/100, ये कटा ये कटा, 12100, ये हमको क्या मिला, हमको ये ए मिला, और इसमें से 10,000 को माइनस किए तो हमको यहाँ पर क्या मिला, 2100 में हमको CI के रूप में, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये आपका पहला तरीका। अब हम जानते हैं ये प्रतिशत के अनुप्रयोग में होता है, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज हम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। रेट आपको दिया 10% और आपको समय कितना दिया, आपको समय दिया है 2 साल, रेट आपको कितना दिया हुआ 10% दिया हुआ है, इसका मतलब पहले साल भी आपका 10% होगा, दूसरे साल भी यहाँ पर क्या होगा 10% होगा। और हम ये जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%, तो 10% का हम 10% निकाले, 10% का हम 10% निकाले तो हमारे पास कितना हुआ, 1% हुआ, तो 1 को और ऐड किए तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 21% हो गया। तो इस 10,000 का हम 21% निकाल लेंगे डायरेक्टली और 2100 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको बोला है कि अमित इन्वेस्टर ₹8,000 फिक्स डिपॉजिट पे किया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। आपको ये बताना है कि उसे डिपॉजिट पर मैच्योरिटी पर अमित को टोटल कितना पैसा मिलेगा, मतलब आपको अमाउंट निकालना है। दिया कितना दिया आपके पास, 5% दिया है और कितना साल दिया आपके पास, 2 साल दिया है, 5% और समय यहाँ पर क्या दिया, 2 साल दिया है, तो पहले का 5 और दूसरे का यहाँ पर क्या हुआ 5, और हम इस 5 का 5% निकाले तो ये हुआ 0.25, ये हमारे पास हुआ। तो इसका मतलब 5 × 5 = 10 + 0.25 करेंगे तो टोटल 10.25% ये आपको CI के रूप में मिलेगा, ये आपको CI के रूप में मिलेगा। तो ए कितना होगा, जब ए होगा कंप्लीट परसेंटेज कितना होता है, 100% लेके चलते हैं, इस 100% में 10.25% आपको ब्याज के रूप में मिल रहा है, तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, दोनों प्लस करेंगे 110.25% ये हमारे पास हो जाएगा। अब ए निकाल लेते हैं, हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ, 8,000 रुपये दिया हुआ है, तो 8,000 × 0.25 × 100, ये 0 कटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ये वाला कटा और ये आपके पास कटा, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक है, 5 से 5 और काट लेते हैं, 5 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 2200, क्या हो जाएगा 2205। ठीक है, 2205 आपके पास हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो आपके पास हुआ 8820, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब आप लोग सीख चुके हैं, अपन थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। छह परसेंट 2 वर्ष, तो 6 + 6 + 6 × 6/100, तो ये आपका हुआ 12.36%। ठीक है, तो 2500 रुपये का 12.36% हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक, ये कटेगा तो यहाँ पर ये कटा, ये पहला काम, 25 एक बार में 25 4 बार में इसको काटे तो हमारे पास आया 309, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब 3 साल आ गया, चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 साल वाला उसको किस तरीके से करेंगे। 3 साल का परसेंट आपको कितना दिया अपने पास, 10 दिया है, 10% के हिसाब से, पहले साल 10, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10, तो टोटल हमारे पास 30। स्टेप नंबर 1, 10 का 10% निकाले तो 10 × 10/100, ये कितना हुआ 1, तो प्लस क्या कर दिए 1, ये जब 1 यहाँ पर मिला तो ये कंप्लीट कितना हुआ
21 हुआ, क्योंकि 10 10 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब उसके बाद 21 का ये जो आपको क्या दिया, अपने पास 21 आया है ना, 21 आया है, तो अब इस 21 का 10% निकाले तो ये कितना हुआ, 2.1, ये हमारे पास हुआ 2.1 हमारे पास हुआ। तो इसमें 2.1 को हमने क्या किया, प्लस किया, तो उस कंडीशन में हमारे पास कितना हो गया, 33.1%। ये हमको क्या मिला है, हमको इंटरेस्ट के रूप में मिला है। और हमारे पास कितना रुपए है, हमारे पास 12,000 रुपए है, हमारे पास 12,000 रुपए है। तो 12,000 × 33.1 डिवाइडेड बाई 100, ये कटेगा, यहाँ पे ये कटा, ये जीरो हटा, ये पॉइंट हटा, तो 331 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 331 × ये हमारे पास हुआ 10+2 हुआ, तो 3310 प्लस यहाँ पे किए तो कितना हुआ, 662। ये 2 हुआ, ये 7 हुआ, ये 9 हुआ और ये 3 हुआ, 3972 ये हमारा आंसर आएगा। हम ट्रेडिशनल अप्रोच छोड़ रहे हैं और इसको सरल विधि से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अब जब इससे पहले अपन लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, यहाँ पर 12,000 रुपये 3 वर्षों के लिए 10%, यहाँ पर 2500 रुपये पर 2 वर्षों बाद कितना परसेंट, 6%, मतलब ब्याज का दर यहाँ पर क्या था, कॉन्स्टेंट था। अब ब्याज का दर यहाँ पर वेरिएट हो रहा है, ठीक। पहले साल कितना परसेंट है आपके पास, पहले साल आपका 4% है, दूसरे साल आपका कितना परसेंट है, आपका 5% है। पहले साल 4% और दूसरे साल कितना हुआ अपने पास, 5, तो टोटल आपका 9% आया। और इस 4 का 5% भी हम निकाले तो ये हुआ 20/100 कटा 0.2 आया। तो टोटल जो है हमको निकालना है कितना, 9.2% निकालेंगे। ये हमको क्या प्राप्त होगा, ये हमको CI प्राप्त होगा, याद रखना। ये यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, CI प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो पहले CI निकाल लेते हैं, या हमको निकालने यहाँ पर क्या बोला, अगर मान लो सपोज CI निकालने बोला है तो हमने यहाँ पर क्या किया, 25,000 का 9.2% हमने यहाँ पर निकाल लिया। ये कटा, यहाँ पर ये कटा, ये कटेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। 25 × 92 करेंगे तो 23 को अपन लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन देखना, मैं यहाँ पर बोला 25 × यहाँ पर क्या करने बोला हूँ, 92 करने बोला, ठीक है। अब इस कंडीशन पे क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 4/4 से, इसको 4/4 से यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, क्योंकि 100 बनाना अपने पास। तो ये कट के कितने बार में हो जाएगा, ये बन जाएगा 23 और 25 × 4 कितना हुआ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हुआ, 100। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2300 ये हमको मिला है। तो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन जैसे किया हूँ मैं, ठीक। वापस फिर से कैलकुलेशन का स्टेप बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लो, अगर मान लो समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूँ, ये हमारे पास आया, हमने काट कितना लेके आया, ठीक है ना। इजी क्या होता है, अगर नीचे में 00 लगता है या 10 लगता है तो नीचे में क्या होता है, पॉइंट लगाने में आपको आसानी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 25 को 100 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 4 से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 25 × 4 कितना हुआ, 100। 4 एक बार में और 4 23 बार में, इसलिए 23 × 100 कितना हुआ, 2300। ये हमारे पास क्या मिला है, ये हमको CI मिला है, कितने पे, 25,000 रुपये पर हमको CI मिला है 2300। तो हमारा A कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 27300 और ये हमारा आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। ये जितना बना रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि क्विक रीजन में क्या होगा, आपको ये काम आएगा। उस टाइम आपको पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़ना, आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका बहुत सारा सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, ये आपको बोला फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अप्रोच थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक, नया क्वेश्चन है, नया अप्रोच लेके आते हैं।
याद रखिए, बोल रहा है हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक। जब भी हमको क्या बोलेगा, जब भी हमको हाफ ईयरली बोलेगा, अर्धवार्षिक बोलेगा, तो आपको जो भी समय दिया है ना, उस समय को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एक्चुअल टाइम पीरियड होगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है। और जो आपको आर दिया है, आर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आर परसेंट आएगा जिसमें हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो टी हमको दिया हुआ है डेढ़ वर्ष, डेढ़ मतलब 3/2 वर्ष टी हमको दिया हुआ है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमको प्राप्त हुआ 3। और आर को अपन क्या करेंगे, आर को हम 2 से भाग करेंगे, कितना होगा 2%। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है सी आई। कैलकुलेशन थोड़ा सा क्रूशियल हो जाएगा, तो हम देखते हैं आंसर कैसे आ रहा है। पहले ए निकाल लेते हैं, तो 5000 इंटू 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100। होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लाए हैं। अब यहाँ पर 0 कटा, 0 कटा, 50 से एक बार में, 50 से दो बार में, 2 से काटे तो यहाँ पर क्या बचा, 51। तो हम ये समझ गए हैं कि 102 इंटू 51 इंटू 102 अपॉन यहाँ पर क्या बच गया, 100। अब अपने को बिल्कुल माथा पच्ची नहीं करना है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, इसको अपने क्या नहीं करना, अपने को बिल्कुल माथा पच्ची नहीं करना सॉल्व करने का, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। अब इकाई का अंक क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर लास्ट का जो अंक होगा वो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पे 00 है, तो यहाँ पर एक अंक आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर कोई सा एक नंबर आएगा, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है आपका ये वाला, क्लियर हुआ। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके आप सोच देख सकते हैं कि क्या आपका उत्तर आएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, ठीक। प्रश्न थोड़ा सा आपका चेंज है, प्रश्न चेंज ऐसा है कि आपके पास दिया है कितना, 8000 रुपए दिया है, और दर कितना दिया हमारे पास, 15%, और समय क्या दिया, 2 वर्ष 4 महीना। देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, समय आपको 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष आपको उस रूप में दे रहा था, और अभी जो टाइम है, टाइम आपको दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है, साथ में 4 मंथ्स दिया हुआ है। 4 मंथ्स मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो डिवाइड किए तो कितना आया, 1/3। अब दिक्कत है क्योंकि टाइम या तो 2 साल देगा, 3 साल देगा, तो पावर में लग जाएगा। अब अगर सपोज टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया है तो क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहला काम अपन ए निकालते हैं। प्रिंसिपल आपको दिया है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 15%, तो 1 + 15/100 टू द पावर 2, क्योंकि सामने में कंप्लीट जो नंबर है वो आपका कितना है, 2। ये पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब हमको जो फ्रैक्शन है ना, वो फ्रैक्शन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1/3, फ्रैक्शन 1/3 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 15%, तो यहाँ पे जो आपका जो बचा टाइम है ना, उसको मैं क्या करूँगा, 5% के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा, तो इनटू ये कितना हो जाएगा, 1 + 5/100। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी सी सेट का पैटर्न थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, तो आपको ऐसी क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना आपको ज़्यादा है, जहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये आपका कटेगा 5 से 23 बार में, ये कटेगा आपका 3 बार में, और ये कटेगा आपका 20 बार में। तो हमारे पास क्या बना, 8000 × 1 + 3 = 23/2, 23 का वर्ग 529, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400, मल्टीप्लाइड बाई ये 1 बार में, ये 20 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 21/20। ये पूरा कटा, ये कटा, 400 एक बार में, 400 दो बार में, 20 बार में, 0 0 कटा, ये यहाँ पे कटा। तो बचा हमारे पास कितना, बचा हमारे पास बचा
529 into 21, ये हमको क्या मिला, ये हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं, 529 into 21 को हम लिख सकते हैं 20+1, ताकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8 हुआ, 18 का 8 हासिल, एक 2 × 2 = 4 और एक कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, 0 प्लस यहाँ पर क्या किया अपन लोग, प्लस यहाँ पर 529 किए, तो ये हमको जो मिला, ये हमको मिला यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये हमको क्या मिला है, ये हमको मिला है क्या, ये हमको ए मिला है। लेकिन हमको निकालने यहाँ पर क्या बोला है, हमको निकालने यहाँ पर क्या बोला है, सी आई निकालने बोला है, निकालने हमको क्या बोला है, सी आई निकालने बोला है। तो ए माइनस पी करेंगे, तो ए माइनस पी करेंगे तो 111 09 में से हम क्या करेंगे, 8000 को माइनस करेंगे तो 90, ठीक है, 1 और यहाँ पे 3109, ये हमारा आंसर आ जाए। यहाँ वर्ड यूज हुआ है त्रैमासिक, मतलब वर्ड आपका यूज हुआ क्वार्टरली। जब भी आपको बोलेगा, आपको जब गन्ना आपको बोलेगा त्रैमासिक गन्ना करने बोला है, या इसको बहुत बार आपको तिमाही बोलेगा, या आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वार्टरली बोला है, इस कंडीशन पे क्या होगा, जो भी आपका टाइम देगा ना, इस टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर समय का अवधि बनेगा, और जो भी आर रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ब्याज का दर बचा, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको टाइम यहाँ पर दिया हुआ, आपको टाइम आपको दिया हुआ है, 9 मंथ्स आपको दिया हुआ है, मतलब 9/12 ईयर्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 वर्ष यहाँ पर, और इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास कितना आ गया, 3। आर के बारे में बात करेंगे तो आर आपको दिया है कितना परसेंट, आपको 20% दिया, 20 को 4 से भाग के तो कितना आया, ये हमारे पास आया 20 से भाग के तो ये हमारे पास आया 5%, ये हमारे पास आया, ठीक है। अपने क्या निकालना है, 16000 का क्या निकालना हमको, 20% की दर से यहाँ पे क्या निकालना है, कंपाउंड क्वार्टरली निकालना है, ठीक। अब नॉर्मल अपन पॉइंट वाले तरीके से करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, लंबा कैलकुलेशन होगा, तो ईजी क्या कर लेते हैं अपन लोग, इजी हम ये कर लेते हैं कि 16000 इंटू डायरेक्टली क्या निकालते हैं, इसका अपन ए निकालते हैं, तो ये होगा 1+, ये आपके पास होगा 1+5/100 की घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। तो ये 1/ क्या हुआ, 20, तो ये आपका हुआ 16000 × 21/20 का यहाँ पर क्या हुआ, क्यूब हुआ, ठीक है। फिर फर्दर अपन क्या करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16000 × 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9261, और 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक। तो एक तरीका हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करके काट के फाइनली अपन क्या लेके आ सकते हैं, ए लेके आ सकते हैं। दूसरा तरीका अगर आपको बोलेगा कि आपको सी आई निकालना है, तब क्या करेंगे, ये दोनों का गैप कितना हुआ, 1261 का नीचे में क्या दिया हुआ है, 8000, और पी कितना दिया है, 16000, मल्टीप्लाई किए एक बार में, दो बार में, और इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 2522, ये हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, आपको निकालने बोला है ब्याज का दर, आपको बोला है 25000 रुपये 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2809, तो ये आपका हो गया ए, ये आपका हुआ पी, और ये आपका हुआ एन, मतलब टाइम पीरियड। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 to the power n, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ 2809 इक्वल टू 2500 × 1+R/100 to the power 2, यहाँ तक आया। इसको इसके नीचे लेके आए तो ये बना 2809 / 2500 = 1+R/100
का यहाँ पर क्या बना, स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि ये 53/50 का यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर होता है, इक्वल टू 1+R/100 का यहाँ पर क्या बन गया, स्क्वायर। दोनों कैंसल आउट हुआ। तो जब दोनों कैंसल आउट हुआ तो हमारे पास क्या बचा, 53/50 इक्वल टू 1+R/100। तो मैं ये भी कह सकता हूँ R/100 इज इक्वल टू 53/50 - 1, ऐसा किया। तो ये जो R/100 बच रहा है ना, ये कितना बचेगा, 53 में से नीचे एलसीएम कितना है, 50 आया, ऊपर में यहाँ 15:1 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 53 - 50 कितना हो जाएगा, 3 आपके पास हो जाएगा, ये एक बार में और ये दो बार में। तो R कितना हुआ, R हमारे पास हुआ 6%। ठीक, पहले ये ट्रेडिशनल मेथड देख लो, अब डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से कैसा करती है। A कितना दिया हुआ है, 2809। P कितना दिया हुआ है, 2500। यहाँ पे समय कितना दिया अपने को, समय यहाँ पर 2 वर्ष दिया है। समय किसमें दिया, 2 वर्ष दिया है। हम ये जानते हैं जो भी आपका समय है ये कहाँ जाता है आपके पास, पावर में जाता है। कहाँ जाता है, पावर में आपके पास जाता है। तो वो पावर में आपके पास जाएगा तो उस कंडीशन पे ये जो होगा 2 हुआ, तो 2 मतलब स्क्वायर लगा। ये किसका स्क्वायर होगा, ये 53 का स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर होगा, 50 का स्क्वायर होगा। ठीक, इसी का स्क्वायर होगा, इसको इससे माइनस किए तो कितना बचा, 3। नीचे में क्या बचा, 50। 100 से मल्टीप्लाई की, एक बार में दो बार में ये कितना परसेंट हो गया, 6%। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को हम उसकी वरीयता के ऊपर बनाएंगे, इस चीज को याद रखना। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टली अपन आ जाते हैं उसमें। हमको क्या निकालने बोला है, प्रति वर्ष, मतलब हमको समय निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, समय। ए कितना है, 44100। पी कितना है, 4000। इसको काटे, अंतिम आपके पास बचा है 441/400। ये हमको बचा है, ठीक है ना। अब ये नंबर किसी के पावर में कुछ बन सकता है क्या, 441/400 दिया है, ये किसी के पावर में, सेम पावर्स में बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। 21/20 का ये क्या लगेगा, स्क्वायर। क्या लगा हमारे पास, स्क्वायर लगा, है ना। तो यहाँ पे समय अवधि कितना हो जाएगा, 2 साल। ठीक, समय अवधि कितना हो गया, 2 साल। डायरेक्टली ये हमारा आंसर आ जाएगा। कभी भी आपको समय का अवधि यहाँ पर क्या दिया है, दुगना दिया है आपको। सपोज आपको बोला है कि n ईयर्स में एक राशि है, n ईयर्स में x रुपीस हो जा रही है, और 2n में ये आपका y रुपए हो जा रहा है। तो आपको योग ज्ञात करना, योग मतलब सॉरी मतलब यहाँ पर आपको मूल ज्ञात करना है। फाइंड द सम, सम का वहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट हो गया योग। आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम मतलब आपको मूलधन आपको निकालना है। तो जैसे आपको समय यहाँ पे 1 साल दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साल। यहाँ पे 2 देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे 3 देगा, अगर मान लो यहाँ पर आपको 3 दिया है तो यहाँ पर क्या देगा, 6। तो समय क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब समय क्या होती है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और आपको उस कंडीशन पे आपको बोलेगा कि मूलधन ज्ञात करें, तो वो हो जाएगा आपके पास उस कंडीशन पे x(x)/y, मतलब x²/ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि दुगुना। 2 मतलब पावर चढ़ता है, 2 मतलब हम जानते हैं समय मतलब क्या होता है, 3 मतलब 2 हुआ तो वो स्क्वायर में चले जाएगा। इसलिए यहाँ पर x(x)/ यहाँ पर क्या हुआ, y हुआ। तो ये हो जाएगा 6690 × 6690 मल्टीप्लाइड बाय 10035। ये हमारे पास, चलिए 5 से काट से देखते हैं। 5 से काटे तो यहाँ पर 5 2s, यहाँ पर 20 बार में क्या हो गया, 100 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2000 क्या हो जाएगा, 7। और अगर हम इसको 5 से काटे तो कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65 बचेगा। यहाँ पर 1 19 का मतलब 3, और यहाँ पर ठीक है ना,
कितना वो 13×5 65 19×4 बचेगा तो 1338 हमारे पास ये बचेगा, एक और है ना ठीक। अब तीन से काटते हैं, इसको तीन से काटते हैं, मान लो इसको तीन से काटते हैं तो 3×6 क्या हो जाएगा, 3×6 18 का 8 बचेगा, 18 का 2 बचेगा ठीक, 6×, और यहाँ पे नहीं 6×6 आ गया, 3 से काटे तो जब इसको 3 से काटे तो यहाँ पर 3×4 12, 13×3 44 6 बचेगा ठीक है ना, हाँ 44 6 बचेगा, ये कटा बचा कितना 10, और जब इसको इसे मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आ गया 44 60, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरा आंसर आया। ये आपको बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है जब 1000 रुपए 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर निकाले जाते हैं ठीक। अंतर को हम बोलते हैं डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करते हैं ठीक है। पी अपन जानते हैं मूलधन, आर हम जानते हैं 10% जिस परसेंट पर, और टी हम जानते हैं समय अवधि। जब ये टी का अवधि यहाँ पे 2 वर्ष होगा तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर अपॉन 100 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर ठीक है। हमको यहाँ पर कितना रुपए दिया, मूलधन आपको कितना दिया 1000 रुपए दिया, तो 1000 इंटू आर कितना दिया हमारे पास 10%, इसीलिए 10/100 का हमने यहाँ पर क्या किया वर्क किया, ये कटा तो आपके पास बचा 1000/1/100 यहाँ पर क्या बचा 100, ये कटेगा बचा 10, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाता है प्रति वर्ष ब्याज की दर, 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जा रहा है, अगर मूलधन को पी को अगर मैं एक्स लिया, पी को अगर मैं एक्स लिया तो ए मेरे पास कितना हो जा रहा है, ए मेरे पास हो जा रहा है 8x, कितने साल में 3 साल, a इज इक्वल टू पी 1+R/100 2^n ये होता है, या इसको एकदम सिंप्लीफाई किया तो a/p इज इक्वल टू 1+R/100 2^n, ये सबसे अच्छा तरीका रहता है। तो आपको यहाँ पर a कितना दिया हुआ है 8x, p कितना दिया हुआ है x, और ये 1+R/100 2^3 वर्ष दिया है, इसलिए 3, ये कटा, ये हो जाएगा 2³ = 1+R/100, क्योंकि ये 2³ होगा तो यहाँ पे है ना, ये 2³, ये क्यूब क्यूब कटा, ये 1 यहाँ के माइनस हुआ, 2 में से एक क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो 1 = R/100, और यहाँ पे R = क्या हो जाएगा 1×100, 100%, ये हमारा आंसर होगा ठीक। फिर से देख लेते हैं कितने वर्षों में गुना हो रहा है, आपको बोला है कि 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो रहा है, कितना 8 गुना, कितने वर्ष बोला है 3 वर्ष बोला है, तो ये किसका क्यूब होता है, क्योंकि वर्ष बोलेगा मतलब आपको टाइम में से पावर में घात में लगता है, ये किसका क्यूब होगा, ये आपका 2 का क्यूब होगा, ये किसका क्यूब होगा 2 का क्यूब होगा, तो क्यूब क्यूब कैंसिल, 2 बचा, 2 - 1 × 100, तो हमारे पास ये कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ 100%, और वो हमारा आंसर। एक निश्चित राशि 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह 9 गुना हो जाएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं गुना वाला कैसे होता है ठीक। आपको यहाँ पर गुना मतलब कितना टाइम्स हुआ है, आपको ये दिया, और आपको यहाँ पर क्या दिएगा साथ में, यहाँ पर आपको वर्ष आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पर वर्ष आपको दिया है, यहीं पर अपन एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसको ध्यान से समझना। 3 गुना हो जा रहा है कितने, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है 3 गुना, 10 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, आपको यह पता करना है कि यह कितने वर्षों में
9 गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा और 81 गुना हो जाएगा, सपोज आपको ये पूछा। तो यहाँ पर ये जो 9 है ना, इसको मैं पावर में कैसे लिख सकता हूँ, 3 के पावर में 2। इस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर में 3 और इस 81 को लिख सकता हूँ 3 के पावर में 4। ठीक, वर्ष का संख्या यहाँ पर क्या दिया, 10 दिया है। आपको 9 गुना होगा, 10 दुनी 20 वर्षों में 9 गुना होगा, 10 दिया 30 वर्षों में ये 27 गुना होगा और 10 चौक कितना होगा 40, 40 वर्षों में ये 81 गुना होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या बोला, कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना बोला है, 9 गुना यहाँ कितने वर्षों में होगा, 20 वर्षों में ये होगा, ये हमारा आंसर होगा। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान समझना, बहुत जगह काम आपके पास आता है। यदि दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो एक निश्चित राशि, एक धनराशि 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 8 गुना। आपको ये आपको क्या दिया है, गुना कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आपका वर्ष कर लेते हैं। ठीक, याद रखना क्या बोला है, कितना हो जा रहा अपने पास 3 वर्षों में, कितना हो जा रहा है, 8 गुना। 3 वर्षों में क्या हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। 8 गुना मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 2 के पावर में यहाँ पर क्या हुआ, 3। देखिए 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3। आपको बोला यार कितने वर्षों में क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 16 गुना हो जाएगा, मतलब ये 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 4 आपके पास होगा। तो यह क्या होगा, 4 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा आंसर। अब यहाँ पर बोला अपने क्रॉस क्या दिया, अपने पास गुना, अपने क्या निकालना, वर्ष निकालना है। एक धनराशि 4 वर्षों में, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपन लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, गुना, और यहाँ पर क्या लिखते थे अपन लोग, वर्ष। ध्यान से समझना भाई ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये वाला पैटर्न वाला। एक धनराशि 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 गुना। 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 गुना आपके पास हो जा रहा है। यह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना बोला है, 8 गुना मतलब 2 के पावर में यहाँ पर क्या हुआ, 3 हुआ, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो यह 12 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो सपोज आपको क्वेश्चन बोला है कि यह 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर क्या बोला, सपोज आपको बोला है कि कितने वर्षों में, 20 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 तिया क्या आया था, 12। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 पंचे करूँगा तभी तो 20 आएगा ना। तो यहाँ पर 2 के पावर में 5 किया, 2 के घात में 5 लगाया, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इनवर्स में। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, दोनों तरीका बताऊंगा, ट्रेडिशनल भी और शॉर्टकट भी ना। 3 वर्षों में 3000 की राशि x परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज पर 3993 हो जाती है, तो x का मान निकालना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास ए हुआ, क्योंकि 3000 बढ़ के 3993 हो जा रहा है। ये यहाँ पर क्या हुआ पी, ये यहाँ पर क्या हुआ एन, और हमको ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हुआ ए अपॉन पी, मतलब 3993 अपॉन 3000 ए अपॉन पी इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय कितना दिया हमारे पास, 3 वर्ष दिया ना, यहाँ पर क्या लग जाएगा, 3। ठीक, 3 से काटे 1331, 3 से काटे तो ये हमारे पास आया 1331 बटे 1000, ये आया। और इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि 11 बटे 10 का यहाँ पर क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, और ये हमारे पास हुआ 1 प्लस आर बटे 100 की घात यहाँ पर क्या हुआ, 3। 3 कैंसिल आउट हुआ, इसको इधर ला के माइनस किए तो हमारे पास बचा आर बटे 100 बराबर 1 माइनस 1 बटे 11 बटे 10 माइनस 1 आर बटे 100 बराबर 1 बटे 10 कैंसल हुआ, आर हमारे पास कितना आया, 10%, ये हमारा आंसर आया। क्लियर हुआ, थोड़ा सा अपन अप्रोच चेंज करते हैं। ए हमको कितना दिया है, ए हमको दिया है 3993
और पी कितना दिया है हमको 3000, ये हमको दिया, 3 से काटे तो 1331 बटे 1000 हमारे पास यहाँ पे होगा। समय यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बोला है, मतलब पावर में लगेगा। तो ये दोनों किसका क्यूब हो सकता है, ये क्यूब हो सकता है 11 का क्यूब होगा, और ये किसका क्यूब होगा 10 का क्यूब होगा, ये होगा। ये हमारे पास क्या होगा 11 बटे 10 का यहाँ पर क्या होगा क्यूब हमारे पास होगा। दोनों में कितने का अंतर है, एक नीचे क्या है 10 और इसको 100 से मल्टीप्लाई किए कटा, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10%, ये हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉर्ट तरीके कैसे आते हैं, मतलब 8000 रुपये कितना हो जा रहा है 882 हो जा रहा है। कितने में आपने को क्या दिया अपने पास 8000 रुपये, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 8820 हो जा रहा है। तो अपने यहाँ पर क्या निकालना है, ब्याज का दर रेट परसेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो ये ए हमको ये हो गया, पी हमारे पास कितना हुआ, पी हमारे पास 8000 कटा, 2 से काटे 441, 2 से काटे 400। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमको, बात क्या कर रहा है हमको, 2 वर्ष के बारे में बात कर रहा है ना, कितना वर्ष 2 वर्ष के बारे में बात कर रहा है। तो ये किसका वर्ग होगा 21 बटे 20 का यहाँ पर क्या होगा वर्ग। दोनों में कितने का फर्क है, एक नीचे क्या है 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये एक बार में, और ये तो 5%, ये हमारा आंसर होगा। 12% की दर पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 10176, निवेश की गई राशि निकालना, मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना, सब निकालना है, और आपको क्या दिया हुआ है सी एफ 12% दिया, और कितना दिया 2 साल दिया है 12% और क्या दिया अपने पास 2 साल, तो 12 + 12 कितना हुआ 24, और हमने 12 का 12% निकाला तो 144/100 1.44, तो मतलब 20.44% ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको इंटरेस्ट पे मिलेगा, कितने रुपए का आपको दिया हुआ है, ये आपको मूलधन क्या मान लेते हैं x का 25.44% इक्वल टू 10176 ये हमको गिवन है, ठीक है भाई। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 10176 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25.44, ये पॉइंट हट जाएगा, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 00, ये एक बार में और ये 4 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40000, ये हमारा आंसर। 4 वर्षों में कितना हो जा रहा 3840, और 5 साल में कितना हो जा रहा 3936। कॉन्जिगेटिव ईयर्स, क्रमागत वर्ष बोला है, क्रमागत वर्ष मतलब अगर आपको सपोज पहले आपके पास एक्स ईयर्स में आपके पास एक राशि आपके पास P1 है, और ये x+1 ईयर में ये राशि P2 हो जाता है, तो और आपको R निकालने बोलेगा, R परसेंट निकालने बोलेगा, तो ये होगा P2 - P1/P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्रमागत वर्ष आपको बोला है, सपोज आपको यहाँ पर एक साल और यहाँ पे 2 साल है, यहाँ पर 2 साल और आपको यहाँ पे 3 साल है, आपको यहाँ पे 4 साल और आपको यहाँ पर 5 साल है, मतलब एक साल अधिक बढ़ा के आपको अगर देगा तो आपको जो 2 मिश्रधन दिया हुआ है, पहला और दूसरा दिया हुआ है, दूसरे में से पहले घटाएंगे, पहला वाला नीचे लगा देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अपनाया है। तो कितना दिया आपके पास, P2 आपके पास दिया है 3936 माइनस 3840/3840 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या होगा 100। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपका ब्याज रहता है ना, वो ब्याज और जो मूलधन होगा उसी पे इंटरेस्ट मिला के आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, इसलिए हम उसी को वहाँ पे बेस लेके चलते हैं। 6 में से 0 गया तो 0, 13 में से 4 गया तो यहाँ पे 9, 8 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास भी क्या हो जाएगा 0, मतलब कुछ नहीं बचा 96 × 100/ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास हुआ अपॉन 3840, ये एक बार में और ये 40 बार में कटा, इससे काटेंगे तो 2.5
परसेंट ये हमारा ब्याज का दर आएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3 वर्षों में 5% की दर से 15.25 है तो योग, मतलब आपको योग मतलब याद रखिएगा, जब भी आपको सम बोलेगा उसका इंग्लिश कन्वर्शन है, तो आपको मूल ज्ञात करना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। 2 वर्ष का तो फॉर्मूला आपको याद है, 2 वर्ष का अपन लोग क्या करते थे, D इज इक्वल टू पी इंटू, 2 वर्ष के लिए अपन लोग क्या करते थे, D इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 का यहाँ पर क्या कर देते थे, स्क्वायर, ये हम कर देते थे। अब यहाँ पर क्या कर दिया, 3 वर्ष कर दिया, तो बस यहाँ पे साथ में एक और चीज़ नया लाना है, वो लाना है 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, और ये हमारे पास क्या निकलेगा, D हमारे पास निकलेगा। हमको D दिया हुआ 15.25, दर कितना दिया 5% और 3 वर्ष के बारे में बात बोल रहा है, तो ये जो फॉर्मूला है अंतर निकालने का, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, जहाँ पर D क्या करता है, अंतर का काम करता है, D को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस अंतर बोलते हैं। तो ये हमको दिया 15.25, P हमको निकालना है, R हमको दिया कितना 5%, तो 5/100 का हमने लगाया स्क्वायर इंटू, ये हुआ 305/ यहाँ पर क्या हुआ 100, 5 से किए तो 61/ यहाँ पर क्या हुआ 20, ये 1/ यहाँ पर क्या हुआ 20, तो 15.25 किया तो ये हुआ P इंटू 1/20 है ना, 1/20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1/ क्या होगा 400 इंटू 61/ यहाँ पर क्या होगा 20, यहाँ तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो जब P निकालेंगे तो P क्या हो जाएगा, 15.25 मल्टीप्लाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 20, और नीचे में आपके पास होगा कितना होगा, सिर्फ 61 हमारे पास होगा, ठीक, ये 1 बार में और ये 4 बार में, 4 1 बार में, 4 हमारे पास कितने बार में, 100 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2000, ये हमारा आंसर। MCQ सीरीज में बने रहना और सारे वीडियोस को ध्यान से देखना, एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपके काम के हैं जिससे आप इजीली CSET क्वालिफाई करते हैं कर पाएंगे, और एग्ज़ाम में जो पूछने की संभावना क्वेश्चंस है ना, तो हम सिर्फ उसी को यहाँ पर क्या करें, कवर करा रहे हैं। तो भी एक बेनिफिट ये आपको मिलेगा कि आपको बहुत सारे बुक्स आपको दुनिया भर का आपको रीड करने का आपको ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ये पहला चीज़ आपको होगा, और प्लस आपके पास क्या होगा, एकदम सेलेक्टेड कंटेंट आएगा जो एग्जाम के हिसाब से हेल्पफुल होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, कुछ कुछ याद हो रहा होगा, भूली बिसरी यादें, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आरंभिक धनराशि निकालना है, देखना क्या दिया है, 4 साल में 7000, 8 साल में 10000, समय दुगना दिया है, तो ऐसे में क्या होगा, याद आया होगा आपको, तो ये था आपके पास, अगर सपोज आपके पास n ईयर्स में कितना हो जाता है x हो जाता है और 2n ईयर्स में y हो जाता है, तो p निकालने का फॉर्मूला क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि प्रथम वर्ष में रुपए प्रथम वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 होता है, आपको धन लाभ योग ज्ञात करना है, धन लाभ मतलब रुपए धन आपको आपको मूल ज्ञात करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है, निवेश की गई धनराशि प्रथम वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाए 676 हो जा रहा है, तो आपको क्या निकालना है, मूल निकालना, आपको धनराशि आपको निकालना है, ठीक। क्रमागत वर्ष का दिया हुआ है ये हम जानते हैं, अगर सपोज आपको बोलेगा कि n वर्ष में x रुपए हो जा रहा है और n प्लस 1 ईयर में आपके पास y हो जा रहा है, तो r निकालने का फॉर्मूला क्या है, y माइनस x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 100, हम लोग P1 P2 लेके किए थे याद होगा, तो यहाँ पर पहले 650 फिर कितना हो जा रहा है 676 हो जा रहा है, तो 676 माइनस 650 माइनस 650
अपॉन 650 अपॉन 650 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये आपका हुआ 26 बटे 650 गुणित 100 एक बार में 25 बार में आर कितना आ गया 4% हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमको निकालने क्या बोला है, हमको निकालने क्या बोला अपने पास, हमको निकालना दर नहीं बोला, हमको निकालने बोला है पी, मतलब एक साल के अंत में एक निवेश किया गया राशि था वो एक साल के अंत में बढ़ के कितना हो गया है 650 हो गया है। तो ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 टू द पावर यहाँ पर क्या लेते हैं एम, ये हमको दिया है। हमको पैसा बढ़ के कितना हो गया 650 हो गया एक साल के अंत में और दूसरे में कितना हो गया 676। हमारी इच्छा है हम दो साल बाद लें या एक साल बाद लें, दो साल में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा तो एक साल वाला ले लेते हैं। एक साल बाद कितना हो गया 650, मूलधन क्या मान लेते हैं P और ये हुआ 1+4/100 और समय कितना हुआ एक ही हुआ आपके पास एक बार में और 25 बार में 1/25 तो हमारे पास 650 बराबर क्या हुआ 1+1/25 कितना हो जाएगा P गुणित 26 बटे क्या हो जाएगा 26/25 तो P बराबर 650 गुणित 25 बटे 26 एक बार में 25 बार में 25 गुणित 25 कितना हो गया 625 ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, याद होगा आपको वाला क्वेश्चन, क्या बात कर रहा है हमको यहाँ क्वार्टरली का बात कर रहा है। याद है आपको तिमाही में क्या करते थे, जब आपको यहाँ पर आपको जब त्रैमासिक बोलेगा क्वार्टरली बोलेगा तो टाइम को अपन लोग क्या करते हैं, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और आर को क्या करते हैं 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, सॉरी आर को क्या करते हैं आर को 4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो आपको टी तो यहाँ पर दिया हुआ है 9 मंथ्स दिया हुआ है, 9 क्या दिया अपने को मंथ्स दिया है इसलिए 9/12 तो कितना हुआ 3/4 हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हुआ तो टी कितना बचा 3 ईयर्स, मतलब जो हमारे पास एन का जो काम है ना वो हमारे पास कितना हुआ 3 ईयर्स। आर कितना हो जाएगा 20/4 कितना हो जाएगा 5%, ये हमारे पास हुआ। ठीक है, अब निकालना क्या बोला हमको, हमको निकालने बोला है कि इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है तो ये आपका हो जाएगा पहले 12,000, पहले अपन ए निकालते हैं ना इंटू 1+5/100 टू द पावर यहाँ पर 3। ध्यान समझना कैसे बना रहा हूँ, एक बार में और ये 20 बार में, तो 12,000 इंटू 1+1/20 21/20 का यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर क्या लग जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। फर्दर आगे हम और देखें तो ये हमारे पास हुआ 12,000 इंटू 9261 अपॉन यहाँ पर क्या हुआ 8,000। हम अगर ये निकालेंगे तो क्या होगा कि हमारा निकलेगा ए निकलेगा और उसको पी से क्या करेंगे माइनस करेंगे, एक तरीका ये है, और डायरेक्टली आपको ये निकालना होगा तो हम और क्या कर सकते हैं इसका अंतर देख लेते हैं। 12,000 इंटू 1261 अपॉन 8,000 कटा और ये यहाँ पे कटा, तो 4 से 2 बार में ठीक है, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई किए 3 एकम कितना हुआ 3, 3×6=18, 8 + 1 3×2=6 कितना हो जाएगा 7, 3 एकम कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हुआ 2। ठीक है, इतना ही हुआ हमारे पास, ठीक है भाई सही है। 2 से काटे तो 18 यहाँ पे 9 यहाँ पर 1.50 ये हमारा उत्तर आएगा। चलिए सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
अच्छा याद रखना, मोस्ट ऑफ चांस पता क्या करेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के पूछेगा आपको ना, ताकि उसको दोनों आप एग्जामिनर को दोनों आइडिया हो जाए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का भी ज्ञान है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आपको ज्ञान है। किसी धनराशि पर दो वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया, आपके पास 350 रुपये है, यदि इसे पहले की तरह समान अवधि चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज अर्जित होगा। ठीक है, कितने दर पर दिया अपने पास, 4% पर दिया है। यहाँ पर कितना दिया हमारे पास, 4% यहाँ पे में से, ठीक है 4% पर दिया, एट द रेट ऑफ यहाँ पर क्या दिया, 4% आपको दिया। पहला काम साधारण ब्याज दिया है, ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है, आई निकालने का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन, यहाँ पर क्या जानते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, दो वर्षों पर, ठीक, ये हमको आई दिया। ठीक, अगर पी निकालना होगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, पी इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू 100 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इंटू टी। तो पहला काम हमको क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना पड़ेगा, जिसमें आई कितना दिया हमको, आई दिया है 350 गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, आर हमको कितना दिया, आर हमको दिया है 4% और टी हमको कितना दिया हुआ है 2 साल, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, ये हमको कंडीशन हमको दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ हम समझ गए कि कितना होगा, दो एक बार में दो एक है ना, दो एक बार में दो 175 बार में, ठीक थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा है ना, इसको काटेंगे चार से कितने बार में, 25 बार में, इसको और मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो जाएगा, 175 को हम 25 से मल्टीप्लाई किए, 5×5=25 का 5 हासिल 2, 5×7=35 और 2×37=7 है ना, 5×1=8 और यहाँ पर यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, 350 हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास 5 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे कितना आया 3 आया और यहाँ पे 3, ये हमारे पास क्या 3375% हमारे पास आ गया। यहाँ तक खूब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे CI, हम इसका क्या निकालेंगे, CI निकालेंगे। तो जब CI निकालेंगे तो हमको ये हमको CI निकलेगा और हमको SI दिया है, तो फिर क्या करेंगे हम, CI को SI से माइनस करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा पैसा कितना कम और कितना अधिक, कितना ज़्यादा दिया हमको मालूम चल जाएगा। और हम ये जानते हैं कि CI माइनस SI, 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है अंतर निकालने का, P इंटू आर अपॉन 100 का अपन लोग क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। तो यहाँ पर P हमको दिया 3375 इंटू आर कितना दिया 4%, तो हमको यहाँ पर 4/4 यहाँ पर क्या हुआ 100 का यहाँ पे वर्क किए एक बार में और ये कितना हुआ 25, तो 3375 इंटू यहाँ पर 1/25 का वर्क कितना हो जाएगा, 25 का हम जब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम 25 का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वही आपको बोलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 7 रुपये अधिक होगा और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 7 रुपये यहाँ पर क्या होगा कम होगा, तीनों का मतलब आपके पास वही होगा। तो ये हमारा सेशन था, जो सेशन हमारा बेस क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे था। ठीक, अब अगला टॉपिक लेके आएंगे इस वीक में, क्या होगा आपके जितने भी टॉपिक्स आपके हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को एक बार आप लोग वापस सारे टॉपिक वापस रिव्यू कर लीजिएगा, उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या डाउट आया है, या फिर आप लोग कहीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें किसी और जगह से, आपको वहाँ पर भी कोई सा डाउट आता है तो आप निश्चित हो कि आप जो डाउट सेशन आपका लाइव होने वाला है शनिवार को सुबह प्रातः 8 बजे आप उसमें शामिल हो सकते हैं और वहाँ पर आपके सारे डाउट्स आपको लेके आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए